आपके घर में बहू के रूप में लक्ष्मी जी आई हैं। जीते रहो बेटा, तुम जैसी सर्व गुण संपन्न बहू हर घर में हो। अगली बार कभी भेल या चाट खाने का मन करे तो हम जरूर आएंगे। जी नमस्ते। वाह बेटा, आज समाज ने भी जान लिया कि हमारी बहू कितनी काबिल है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मिठाई के बदले चांदी के सिक्के कहाँ से आए? कहीं तुमने पूजा घर से तो नहीं लिए? नहीं नहीं दादी जी, मैंने पूजा घर से कुछ भी नहीं लिया। वो मैं जब वो मिठाइयाँ लाने गई थी तो किचन में बहुत सारे चूहे थे और हाँ वैसे दीपक कह तो रहा था कि किचन में चूहे हो गए। वो मम्मी पापा और मेरे रिश्तेदार कुछ चांदी के सिक्के देके गए थे शगुन में, तो वही मैंने इनको गिफ्ट कर दिया। और भेल भी मैंने इसलिए ही बनाया था ताकि मुझे पैकिंग करने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाए। वाह बेटा, आज तुम्हारी समझदारी ने हमारे परिवार की इज्जत बचा ली। बहू मैं इस घर की पापा जी, इस परिवार का मान रखना मेरा फर्ज है। मेरी एक इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस कॉल है। मैंने सोचा था पूजा के बाद हम घर चले जाएंगे, लेकिन अब इम्पोर्टेंट कॉल है, थोड़ी देर हो जाएगी। कोई जिम्मेदारी नहीं निभानी मुझे, कहीं नहीं जाऊंगा मैं इसके साथ। मेरी फैमिली हमारा इंतजार कर रही होगी। प्लीज प्लीज नहीं आजी, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। प्लीज प्लीज मना मत कीजिए। एकदम सही टाइम पर आ गया हूँ मैं। दीदी की गाड़ी और ड्राइवर अंकल को देखते भाग के आ गया। ड्राइवर? लेकिन इसे छोड़ने तो दामाद जी आए थे ना। जीजू तो नहीं थे गाड़ी में, कार में तो सिर्फ ड्राइवर अंकल थे ना। तेरे जीजू पीछे ही बैठे थे, तेरा ध्यान नहीं गया होगा। आप लोग को मेरे आने से कोई खुशी नहीं है, सबको दामाद जी की पड़ी है बस। बागो, तुझे पता सुबह से तेरा ही इंतजार कर रहे हैं। दामाद जी भी होते तो और अच्छा लगता। निहार बेटा, तूने आज मुझे गुरुजी का प्रवचन सुनाया है ना, तो देखना आज के बाद तेरी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। पग फेरे की रस्म तब तक पूरी नहीं होती जब तक तुझे ससुराल से कोई लेने नहीं आता। निहार जी, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मुझे घर लेने आ जाइए। घर पर सब बहुत परेशान हो रहे हैं, अपना गुस्सा बाद में मुझ पर उतार लीजिएगा, लेकिन अभी ऐसा मत कीजिए। तो आने में बहुत देर हो गई। एक्चुअली सॉरी, मेरी तरफ से नहीं, निहार भैया की तरफ से। एक्चुअली वो एक बहुत ज़रूरी मीटिंग में फंस गए और फॉरेन क्लाइंट्स थे तो मना भी नहीं कर पाए, बस इसीलिए नहीं आ पाए। बेचारे वो इतना गिल्टी फील कर रहे थे कि सॉरी कहने के लिए उन्होंने ये बुके और सॉरी कार्ड भिजवाया है। तुम दोनों कहाँ से आ रहे हो? पापा जी, निहार भैया ऑफिस के किसी काम से आ नहीं पाए थे, इसीलिए मैं ही रुचिता को पग फेरे से घर ले आई। आज तक कोई काम नहीं किया तुमने और आज रुचिता के पग फेरे के दिन ही तुम्हें सारे काम याद आ रहे? वहां रुचिता और उसकी फैमिली तुम्हारा इंतजार करती रही, कितनी सारी तैयारियां की होंगी उन्होंने और तुम वहां गए तक नहीं। पापा को क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? मिस्टर नरेश को हार्ट अटैक आया था। लेकिन अभी घबराने की बात नहीं, माइनर अटैक, शायद किसी बात की वजह से उनको बीपी हाई हो गया जिसकी वजह से उनको हार्ट अटैक आया। रुचिता तो क्या उसका नाम सुन सुन कर मैं? खुदगर्ज मैं नहीं हूँ, खुदगर्ज आप हो, क्योंकि ये घर नहीं जेल है, जेल और हम सब कैदी और आप जेलर, जिसे जब आप परमिशन दो तो हम खाते हैं, सोते हैं, जाते हैं। ये दवाइयाँ मैंने लिखी हैं, उन्हें टाइम पे दीजिए,
एंड प्लीज मेक श्योर कि उन्हें कोई मेंटल स्ट्रेस ना। जी डॉक्टर, हम उनका पूरा ख्याल रखेंगे, उनको कोई टेंशन नहीं होगी। सब लोग ऐसे मुंह लटकाए क्यों खड़े हो, तो मर गया है क्या? ऐसी अशुभ बातें मत बोलिए। आपको कुछ चाहिए था? पापा जी आपको ढूंढ रहे थे, हो सके तो एक बार मिल लीजिए। अभी जाऊंगा तो उन्हें और तकलीफ ही होगी। अब वैसे मैं तुम्हें थैंक यू बोलने आया था। अगर सही वक्त पर आकर तुम पापा की जान नहीं बचाती तो नहीं क्या हो जाता, इसीलिए थैंक यू। वो सिर्फ आपके नहीं, मेरे भी पापा जी। मैं रूम पे जा रहा हूँ, वही खाना खाऊंगा। अगर रुचिता के चेहरे पर स्माइल रहेगी तो ही पापा ठीक रहेंगे। अच्छा छोड़ो, यही खा लेता। मुझे पता है निहार जी, आपको पापा जी की टेंशन है, लेकिन अब वो ठीक हैं पहले से। खाना खाते वक्त बात नहीं करते, पहले खाना फिर बात। ओके okay?